आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो मेजर इसका मकसद यही है कि चंगथंग में जो नोमेडिक लाइफ को लेकर जो इनिशिएटिव यूटी बनने के बाद में लिए गए, उसके बारे में आप लोगों को उसके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करना। और चंगथंग में हमने 6 जगह के ऊपर कम्युनिटी फोटोलैंड डेवलप करने के लिए प्लान स्टार्ट किया, जिसमें डिपार्टमेंट ने रोंगो, सागा, न्यूमा और नीदर इनमें पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। उसके अलावा खरनक और क्युंगम में अगली बार से कम्युनिटी के साथ में मिलकर फोटोलैंड डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ में जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ फोटोलैंड और उसके अलावा पास्चर लैंड के लिए एक पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है, जो डॉक्टर रावत, जो एक्स डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो इससे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए हम कोशिश करें कि इसको प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। उसके साथ में केवी के न्योमा के साथ में मिलकर, स्क्वास्ट के साथ में मिलकर हमने कई लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं चंगथंग में, जिसमें फोडरलैंड डेवलप किया जाएगा। और इसमें कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, कम्युनिटी को इससे इनकम भी होगी और उनकी जो फोडर की शॉर्टेज है वो भी पूरी की जाएगी, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा पिछले साल हमने 1300 क्विंटल पेलेटेड फीड की सप्लाई की जो इमरजेंसी में लोगों को, उसके साथ में 350 क्विंटल फोडर को भी सप्लाई किया गया है। इस साल हमने उस जो अमाउंट को हमने डबल कर दिया है, इस साल हम 3200 क्विंटल फीड हमने प्रोक्योर किया है और उसके अलावा 500 क्विंटल फोडर हमने रखा है। कोई भी इमरजेंसी हो किसी भी तरह की, तो हम उसमें एनिमल सीप की जो भी पॉपुलेशन होगी उसको हम कवर कर सकते हैं। इसके साथ में सीपीडब्ल्यूडी के साथ में मिलकर फोडर बैंक का निर्माण किया जा रहा है। एक न्योमा में फोडर बैंक बनेगा, एक तांगसे में, जिससे कि फोडर को हम ऑलरेडी हम एडवांस में स्टोर करेंगे और जब भी शॉर्टेज हम लोगों को हम फोडर सप्लाई कर सकें। पहली बार यूटी बनने के बाद में एफएमडी की वैक्सीनेशन की गई, जिसमें स्मॉल ह्यूमन एनिमल्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें सीप एंड गोट जो चंगथंग में स्पेशली, क्योंकि हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसको हमने कवर किया है और उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ और डिजीज का प्रिवलेंस काफ़ी कम रहा है। 4 मोबाइल क्लिनिक चंगथंग में स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन की 2 वैंस भी उसके साथ में ऐड की गई हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एनिमल्स को बजाय कि लेके आने के बजाय हम एनिमल्स तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट भी आसान और वैक्सीनेशन को इम्प्रूव किया जा सके। और इससे मोर्टलिटी काफ़ी कम हुई है, जो एनिमल्स में मोर्टलिटी में काफ़ी फर्क पड़ा है और एनिमल केयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पश्मीना गोट में AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं और इसके लिए डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी की गई और इक्विपमेंट को परचेज किया गया है। चंगथंग पश्मीना ग्रोअर सोसाइटी को अपने यूटी की तरफ से रिवॉल्विंग फंड दिया गया है, जिससे कि जो पश्मीना परचेज है उसका एक अच्छा रेट लोगों को दिया जा सके और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। पिछले साल के बजाय हमें लगभग 10 से 15% का लोगों को बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला है। GI टैगिंग और पश्मीना फाइबर ऑफ लद्दाख, इसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि पश्मीना फाइबर है वो लद्दाख में प्रोड्यूस होता है, तो उसके GI टैगिंग के ऊपर काम चल रहा है। तो इससे लोगों को आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा होगा। नोमेडिक किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पूरे चंगथंग में, जिसमें 1000 नोमेडिक किट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसमें मेनली टेंट और उसके अलावा लाइट और बाकी उसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, जिससे कि नोमैड्स को ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ में इंसुलेटेड हाउसेस का निर्माण किया जा रहा है, 300 नंबर। उसका मकसद ये है कि बार बार जो नोमैड्स को शिफ्टिंग करनी पड़ती है, उसके लिए टेंट टेंट वगैरह को शिफ्ट करना एक टीडियस प्रोसेस है, तो उसको हमने प्लग एंड प्ले टाइप हम इसमें फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जो नोमेडिक हाउसेज हैं वो नोमेड्स हर सीजन में उसको यूज़ कर सके और उसका एक लॉन्ग लाइफ होगा, जिससे कि नोमेडिक लाइफ को काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ में और भी काफ़ी इनिशिएटिव हैं डिपार्टमेंट जो ले रहा है, चाहे वो SDP में हो या इसके अलावा डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हो उसमें हो, तो सब के ऊपर काम चल रहा है। और इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि एक तो लोगों का जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रहा है और लोग इस जो प्रोफेशन है, जो नोमेडिक लाइफ है, इसको लोग एक्सेप्ट करें और इसमें इससे दूर ना हो लोग। मकसद ये है कि इसमें लोग कंसिस्टेंट रहे और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है पूरे लद्दाख में प्रोडक्शन में, तो उसके लिए डिपार्टमेंट अपनी तरफ से यूट्यूब बनने के बाद में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और इस अगले साल भी हम काफ़ी स्टेप लेने जा रहे हैं, जिससे कि जो नोमेडिक लाइफ है, नोमेडिक पॉपुलेशन, उसको मेंटेन किया जा सके और उसको इम्प्रूव किया जा सके। सर, एक चीज़ जो आप अभी बता रहे थे कि नोमेडिक्स के लिए टेंट का गवर्नमेंट
प्रबंधन कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कंक्रीट ही एकदम कंक्रीट अगर हाउसेस बनाएगा ताकि उससे, क्योंकि चाइना साइड में LAC साइड में जो हमारे जो पड़ोसी है वो आमतौर पे यही एक छल करते हैं कि हमेशा वो पहले अपने नोमेडिक्स को भेज देते हैं हमारे साइड, फिर वहाँ पर वो बाद में वो PLA आते हैं, फोर्स आते हैं। तो ऐसा एक स्कीम गवर्नमेंट, या क्या यहाँ से फीड नहीं जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम भी उसी तरह वही अपनाए कि पहले हम अपने नोमेडिक्स को जितना हो सके आगे जाने दें ताकि बाद में हम आराम से वो चीज़ जो है हम अपना सकें। हाँ, इसके लिए आर्मी से बात की जाएगी, उनके साथ डिस्कस करके, और जो नोमेड्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करके एक हम प्लान डिस्कस करेंगे। तो अगर उनका डिमांड होगा तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि रिसेंटली सर वहाँ के एक सरपंच ने भी एक स्टेटमेंट दिया है सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है सर आज तक के पास, कि वहाँ पर हमें आगे जाने नहीं देता है गवर्नमेंट। ठीक है सर, तो इससे थोड़ा अगर ये चीज़ अगर हल हो जाए तो मेरे ख्याल में नहीं, इस ये है इम्पोर्टेंट इश्यू, लेकिन हमें एक बार इनसे स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। अगर उनकी तरफ से डिमांड आता है फिर हम उनकी तरफ से इसमें एफर्ट करेंगे। इसमें सर इसीलिए हम, क्योंकि ये जो है काफी पेचीदा मसला है सर और इस पे सारा फोकस रहता है सर। हाँ, इसमें एक्चुअली कई स्टेक होल्डर है ना, उसमें सबसे बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम डिपार्टमेंट लेवल पे इसको डिसाइड नहीं कर सकते सर। ये कहाँ से जा रहा है उसी का ब्रांड नहीं होना चाहिए सर। नहीं देखिए, जो जो GI टैगिंग है किसी भी चीज की, जो GI टैगिंग होती है वो उसके लिए उस जगह पर उसका होना जरूरी है। तो हम अपनी तरफ से जो लद्दाख का पश्मीना फाइबर है उसकी GI टैगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक पहचान नहीं है। उसको पहचान दिलाने के लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है कि लद्दाख का जो पश्मीना फाइबर उसकी एक पहचान हो, उसकी एक आइडेंटिटी हो, जिससे कि जहां पर भी जाए तो उसमें लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट लद्दाख से बिलोंग करता है। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, उससे एंटरप्रेन्योर को काफी फायदा होगा। जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें GI टैग होगा तो फ्यूचर में उसका वैल्यू काफी बढ़ जाएगा उसको। तो फूडर का एक मसला है सर, क्योंकि नोमेड्स बोल रहे हैं कि हमें फूडर की कमी पेशी होता है इसलिए हम वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं सर। तो इस इशू में UT लद्दाख क्या कर रहा है सर? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, हमने पिछले साल भी कोई 1600 क्विंटल हमने फोडर लोगों को दिया है, फोडर और फीड, इस साल हमने लगभग 2.5 गुना उसको कर दिया, लगभग 3000 क्विंटल, हम 3000 से भी ज्यादा क्विंटल हम फोडर और फीड हम लोगों को देने जा रहे हैं। ऐसा एक भी फैमिली नहीं होगा जो फोडर का माइग्रेट करेगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सप्लाई भी कर सकते हैं, उसको हम सब्सिडी भी उसको प्रोवाइड करेंगे फोडर डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा फोडर और पास्चर लैंड एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उसको डेवलप करने के लिए मैंने बताया कि हम कम से कम 10-12 जगह के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फोडर बैंक का निर्माण किया जा रहा है और फोडर की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम इंक्रीज करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, जो एक मेजर शॉर्टेज है। तो इससे पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, दोनों चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सर।